अस्सलाम वालेकुम डियर। अब हम ड्राइव करेंगे डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स, हमारा ये आज का टॉपिक है। और इसमें हम डिस्टेंस फार्मूले को ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है क्या कि अगर हमारे पास ए बी पॉइंट्स हैं तो ए बी पॉइंट्स में हमारे पास जो हमें ड्राइव करना है फार्मूला, फ़िलहाल हमें ड्राइव करना है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसे हम ड्राइव करेंगे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करने के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन में हम टू पॉइंट्स लेंगे। कंसीडर किया कि हमारे पास ये है कोऑर्डिनेट प्लेन x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस ये हमारे पास है y एक्सिस। अब यहाँ पर हमने टू पॉइंट्स लिए ए बी, एक को पॉइंट ए कह दिया, एक को बी कह दिया। हम ये ए बी के दरमियान जो डिस्टेंस है ये मेजर करना चाहते हैं, हमने इसको डी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर ये एक पॉइंट ए है, कंसीडर किया इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वन कॉमा वाई वन, और ये हमारे पास पॉइंट है बी, बी के कोऑर्डिनेट हैं एक्स टू कॉमा वाई टू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए, ए से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, जिससे हमें ये हेल्प मिलेगी कि ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है। ये डिस्टेंस हमारे पास है स्मॉल, ये डिस्टेंस है एक्स वन। सेम यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे पॉइंट बी से ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो डिस्टेंस होगा इस फर्स्ट पॉइंट एक्स एक्सिस से ये वाला हमारा ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ये हमारा डिस्टेंस होगा एक्स टू। अब ये फर्स्ट वाला डिस्टेंस हमारा है एक्स वन। अब यहाँ पर क्या किया, हमने पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रा किया इस तरह, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है ए बी, इसे हमें पॉइंट को सी से मेंशन कर दिया। अब बेसिकली हमारे पास हमें चाहिए ए सी का डिस्टेंस और हमें चाहिए बी सी का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पर ए सी का डिस्टेंस टोटल हमारे पास है ये डिस्टेंस एक्स टू, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, डेफिनेटली ये डिस्टेंस होगा एक्स टू माइनस एक्स वन। इसी तरह y कोऑर्डिनेट पे आए तो हमारे पास टोटल ये जो डिस्टेंस है हमारे पास y एक्सिस में, ये हमारा टोटल डिस्टेंस है y2, और यहाँ तक जो हमारे पास डिस्टेंस है इस पॉइंट तक, ये हमारे पास डिस्टेंस है y1, ये डिस्टेंस है हमारे पास y1। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है BC का ये क्या होगा, डेफिनेटली ये डिस्टेंस होगा टोटल y2 माइनस y1। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, इसे डिस्क्राइब कर देंगे। सबसे पहले लेट किया A एंड B आर टू पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड B पॉइंट विद कोऑर्डिनेट x2 y2। देन अप इन फ्रॉम फिगर, देन फ्रॉम फिगर, अगर हम फिगर को देखें तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, यानी ए बी डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस है हमारे पास एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर। मोड में जस्ट इसलिए राइट कर रहा हूँ कि डिस्टेंस है और ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और परपेंडिकुलर क्या है वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम ए बी को राइट कर सकते हैं, ए बी क्या है डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही राइट कर देंगे। हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर,
होल स्केयर रूट, इसे आप मोड में राइट कर दें या सिंपल, क्योंकि स्केयर है स्केयर से, अगर दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस नेगेटिव भी होगा तो स्केयर से वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, विच इज़ कॉल्ड, अब यहाँ से स्केयर स्केयर रूट कैंसिल, तो हम कह सकते हैं ए बी का जो डिस्टेंस है क्या बना है, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्केयर होल स्केयर रूट। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, इसे एमसीक्यूज के तौर पे ऐसे भी राइट किया जा सकता है, मे बी एक्स वन माइनस एक्स टू का स्केयर होल स्केयर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्केयर होल स्केयर रूट में भी इस फॉर्म में राइट किया हो। अब बेसिकली क्या है, दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस है, अगर हम टू से लेस कर दें थ्री या थ्री से लेस करें टू, जब हम उसका होल स्केयर लेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, सेम, विच इज़ कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला, विच इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। और यहाँ पर जो हमारे पास डिस्टेंस है ये ए बी डिस्टेंस, ये क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी ज़ीरो हो सकता है लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आप नोटिस करें कि जब हमने डिस्टेंस मेजर किया फार्मूले में या फार्मूला ड्राइव किया, तो हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए या कह लें फार्मूला ड्राइव करने के लिए, ये जो हमने लाइन ली है ये नॉन पैरेलल नॉन परपेंडिकुलर थी। अगर ये लाइन हमारे पास जो है पैरेलल लाइंस होती, ऐसा होता कि प्लेन में हमारे पास ये लाइन होती इस फॉर्म में, तो डेफिनेटली अगर ये पॉइंट ए है, कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, और ये पॉइंट है बी, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनने थे, इसके कोऑर्डिनेट बनने थे एक्स टू कॉमा वाई वन, क्यों, क्योंकि वाई डिस्टेंस सेम है। यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस ओरिजिन से एक्स वन है और ओरिजिन से लेके पॉइंट इस सेकंड पॉइंट तक, जैसे हम इसी को ए बी सी का है, इसी को भी हम पॉइंट को पी क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसी तरह पी क्यू पॉइंट। अब अगर ये डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो डेफिनेटली इसके मुताबिक जो हमारे पास ए बी का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्केयर प्लस, जब हम y2 टू माइनस वाई वन लेंगे तो वो दोनों क्या हैं, सेम, यानी y1 वन माइनस वाई वन का होल स्केयर रूट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, ए बी का डिस्टेंस होगा x2 टू माइनस एक्स वन का होल स्केयर, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होगा तो हमारे पास डिस्टेंस आएगा x2 टू माइनस एक्स वन, जस्ट ये। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास लाइन पैरेलल है तो वो जस्ट क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, और सिमिलरली अगर हमारे पास जो लाइन है कोऑर्डिनेट प्लेन में, लाइन हमारे पास है परपेंडिकुलर, तो डेफिनेटली अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा, तो देन हमारे पास ए बी का डिस्टेंस क्या आएगा, ए बी का डिस्टेंस आएगा वाई टू माइनस वाई वन, जस्ट ये डिस्टेंस होगा। और अगर ये जो लाइन हमने यहाँ पर राइट की है, यहाँ पैरेलल लाइन ली है, यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर लाइन ली है, अगर ये लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन पर हो, यानी इसमें सिचुएशन ये हो कि हमारे पास ये पॉइंट हो ए जिसके कोऑर्डिनेट 0 0, और ये पॉइंट हो बी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन, तो देन हमारे पास ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, देन हमारे पास ए बी का डिस्टेंस होगा एक्स वन प्लस वाई वन, एक्स वन स्केयर प्लस वाई वन स्केयर होल स्केयर रूट, देन हमारे पास डिस्टेंस ये होगा, एमसीक्यूज के तौर पे कहीं अप्लाई किया जा सकता है। तो ये हमारा एक फार्मूला था, डिस्टेंस फार्मूला जो हमने ड्राइव किया, होप कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।